और बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन जी आपका। रैंडम पीपल लाए हैं आज सब हम, है ना, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, आम जनता भी है यहाँ पे। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन जी आपका। मेरा क्वेश्चन ये है कि इतनी वैरायटी ऑफ सेंट्स है, हाँ, लेकिन उसमें परफेक्ट सेंट कैसे पता चलेगा कि ये मेरे पे सूट करे? तो परफेक्ट सेंट दोस्तों, अब मतलब तुमने बोला है दोस्त, ये तुम्हारा क्वेश्चन है कि इतनी सारी वैरायटीज है तो इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि परफेक्ट सेंट कौन सा है। बिल्कुल सही बात है यार, बस इसी वजह के लिए मतलब मैं यहाँ पे बैठा हूँ। मैं यहाँ पे यूट्यूब की जर्नी मैंने शुरू इसलिए करी क्योंकि मुझे ये पता चला कि कोई एक परफेक्ट सेंट नहीं होता। अगर आपने कोई सिग्नेचर सेंट बना लिया अपना तो थोड़े दिनों में आप बोर हो जाते हो उससे, इवन आपको उसकी खुशबू आनी बंद हो जाती है, फिर वो हर सीजन में काम नहीं करता, लोग आपसे बोर हो जाते हैं, कहते यार ये तो यही लगा कर आता है, ठीक है, और बहुत लोगों को आपसे फिर सिर में भी दर्द होता है क्योंकि परफ्यूम्स का अलग हिसाब किताब है, ये सीजन के हिसाब से डेवलप होते हैं, जो इनकी खुशबू है, सीजन, टेम्परेचर, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो एक परफेक्ट सेंट तो नहीं हो सकता इतनी जल्दी, खासकर जो मेरे जैसे लोग हैं, जो फ्रैगहेड्स हैं, जिनको अलग अलग खुशबू में मजा आता है क्योंकि हम जल्दी खुशबू से बोर हो जाते हैं। इंसान के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो खुशबू से बोर जल्दी हो जाता है, तो उसको अलग अलग खुशबू सूंघने का मन करता है। फिर ऐसा भी होता है कि जब हमने कोई पुरानी खुशबू सूंघी होती है, अपनी अलमारी में से निकालते हैं, उसको दोबारा सूंघते हैं तो और ज्यादा मजा आता है, तो फिर हमें लगता है कि यार ये मेरा परफेक्ट सेंट है, ऐसा लग जाता है कभी बाद में प्यार हो जाता है उससे। फिर दूसरा कोई हम सूंघते हैं तो ऐसा लगता है कि ये परफेक्ट सेंट है, थोड़े दिन उसे लगाते हैं फिर ऐसा लगता है कि नहीं यार अब इससे बोर हो गए हैं, ठीक है। तो परफ्यूम्स के अंदर ऐसा होता है, परफेक्ट कुछ नहीं होता। अगर आपको जैसे सपोज अच्छे इंप्रेशन के लिए परफ्यूम लगाने हैं तो आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, एज क्या है आपकी, आप कहाँ जा रहे हो, कौन से ओकेजन के लिए लगाने हैं, सीजन क्या चल रहा है, ठीक है, आउटफिट क्या पहनी हुई है आपने, किसके साथ जा रहे हो, मतलब अगर डेट्स पर जा रहे हो, कैसे भी जा रहे हो, तो वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो उसके लिए कुछ पर्टिकुलर परफ्यूम्स हैं जो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, है ना, उनमें से ऐसा भी होता है मैं रैंकिंग करता हूँ, नंबर वन भी रखता हूँ, है ना। तो आपको जो है एक परफेक्ट सेंट नहीं होता, बट ये है कि आप उसको चेंज भी कर सकते हो, और अगर आपको कोई लगता है कि कोई परफेक्ट सेंट आपके लिए वो अच्छा है, आप चेक करो। पर आपको ये नहीं हो सकता कि यार आप ऐसे कोई आपको बता दे कि यार ये आपके लिए परफेक्ट रहेगा तो आप उसको जाके ले लो, नहीं, आपको पहले एक बार टेस्ट करना पड़ेगी कोई भी चीज, क्योंकि आपकी पसंद अलग हो सकती है, ये खाने के हिसाब से सोच सकते हो आप। सबको मोमोज नहीं पसंद आते, सबको चाउमीन पसंद नहीं आती, सबको पाव भाजी पसंद नहीं आती, सबको समोसे भी, मतलब ऐसे भी लोग हैं, मैं तो बिलीव नहीं करता कि सबको समोसे पसंद नहीं आते, बट लोग हैं यार, मैंने देखे हैं, yes। समोसे ही पसंद नहीं आते, तुम्हें समोसे पसंद है? हाँ, होंगे यार, पता नहीं कैसे होते हैं ऐसे लोग, मुझे नहीं पता, जिसको समोसे नहीं पसंद है वो कमेंट कर देना।